मैंने कुछ महीने पहले जिस कच्चे मकान में हम रहते हैं उसका पूरा एक टूर किया था। खैर वो अंग्रेजी में है और मेरे को उसका हिंदी में टूर दोबारा करना है। उससे पहले ये कुछ मड बंगलोज हैं, ये भी कच्चे मकान ही हैं। ये हमने पिछले साल इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी, इस साल के शुरू तक ये पूरे हो गए थे, जो कि बड़ा अच्छा है क्योंकि कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था तो हमारी जो सारी मीडिया टीम है ये अंदर ही रुकी थी, तो ये बड़े काम आए उस समय। तो इसकी सारी कंस्ट्रक्शन जो है कच्ची ईंट की है। पीछे वाली जो दीवारें हैं जिसको वेट वॉल्स कहते हैं वो लाल ईंट की है, और जो आप वरांडा इसका देखेंगे तो ये देखिए ये पहले खाड़ू से बना हुआ है। ये इसको ऊंचा इसलिए करते हैं कि भाई यहाँ बरसात इतनी होती है तो पानी अंदर जाने का खतरा ना रहे, तो जब हम सेप्टिक टैंक वगैरह के लिए खुदाई करते हैं तो ये पत्थर निकलते हैं और फिर मिस्त्री जो है इसको थोड़ा तराश के सीधा कर देते हैं। अब ये जो थम्बियाँ हैं जिसे वरांडा पोस्ट कहते हैं ये हमें पुरानी कुछ मिल गई थी, और बाकी जो है हमने फिर वो चील की लकड़ी लोकल है उससे सारा काम किया है। ये देखिए ये सारा बांस जो है, बांस तो सारा ही लोकल ही होता है तो हमारे फार्म से ही है थोड़ा, और थोड़ा हमने बाहर से लिया है, और उसके ऊपर जो है चील की फटियां हैं। अब आप देखेंगे कच्चा मकान होते हुए भी जो इसका प्लस्तर है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वो इसलिए कि हमने एक तो इस पर तीन बारी प्लस्तर हुआ है, जिसमें से जो आखिरी लेयर है उससे जो पहले सेकेंड लास्ट जो लेयर है उसमें फेविकोल भी मिक्स था, फेविकोल मिट्टी और गोबर, तो सीमेंट की बजाय वो किया है। खैर ये इस कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बड़ा सुंदर है ये दृश्य। ये जो दीवार है ये हमने तोड़ी थी कंस्ट्रक्शन के दौरान अंदर माल ढोके लाने के लिए, तो इसको हमने जो रिपेयर है वो सारा बियर की बोतलें, हमारा यहाँ अल्कोहल फ्री जोन है पर बियर की बोतलें कबाड़ी से लेके हमने ये दीवार को वो कर दिया। ये सारे जो आसपास हैं ये आड़ू के वृक्ष लगे हुए हैं और कुछ और चीज़ें और निकल रही हैं। यहाँ अरहर लगती नहीं है पर मैंने फिर भी लगाने का ट्राई किया है। खैर अंदर लेके चलने से पहले एक बात और, ये जब बन रहा था तो भूमि कॉलेज से दो लोग आए हुए थे, मुठोक और सिल्वा, उन्होंने बड़ी मदद की। और इसके अलावा लद्दाख से एक सोनम करके वॉलेंटियर आए थे, उन्होंने बड़ी मदद की। ये देखिए उन तीनों ने मिलके ये एक मड स्कल्पचर बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ मिट्टी का बनाया है और उसके ऊपर अलसी के तेल का एक घोल सा लगाया। तो ये जो उन्होंने बनाया है ये फाइव फ्रेंड्स करके वो है, एक बड़ी पॉपुलर बुद्धिस्ट पेंटिंग है, अब मुझे नहीं पता फाइव फ्रेंड्स हैं या फोर हैं, इधर वे। तो ये बेसिकली यही प्रेम और सौहार्द को प्रमोट करती है और ये उन्होंने बनाई। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आप देखिए कि ये तीन मकान बनाने में हमारा 12 लाख से कम का खर्चा आया, और ये हमारे फार्म स्टे का पार्ट है। तो बेसिकली हम ये जो मकान हैं, ये जो बंगलोज हैं, हम किराए पे देंगे, जैसे जो वॉलेंटियर्स आते हैं वैसे गांव में रहते हैं तो वो यहाँ भी रह सकते हैं, क्योंकि फार्म के जो कमरे हैं वो तो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह वालों ने ले लिए हैं, सारे कमरे उन्होंने ले लिए हैं। खैर इस मकान की देखिए छत कितनी ऊंची है और इसमें स्काईलाइट भी है अगेन। अब इसमें जो छत है आप देखिए ये बांस है, बांस के ऊपर ये जो पेटियाँ आती हैं ना इनको हम फटियाँ कहते हैं, तो इसमें जैसे माल आता है दुकानों पे, तो हमारे एक राजीव भैया करके हैं गग्गल में, उनकी दुकानों पे जो भी उनकी दुकान पे जो माल आता है वो ऐसी पेटियों में आता है, तो वो पेटियां हमने यूज की है। वैसे हम जलाने के लिए भी यूज करते हैं ये खाना बनाने के लिए। इस साइड जो है आप देखेंगे कि बांस के ऊपर जो है बैम्बू मैट है, जिसे हम देसी भाषा में छछरा कहते हैं, ये पूरे गोल बांस को ही फाड़ फाड़ के फ्लैट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो सारी कंस्ट्रक्शन है वो फिर चील की लकड़ी से हुई है, ये सारी लकड़ी हमें नई खरीदनी पड़ी, पर चील की लकड़ी फिर भी बाकियों के मुकाबले बहुत सस्टेनेबल है, सस्ती है और लोकली अवेलेबल है। जो फर्श है वो सारा स्लेट का बना है, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ कोई रह नहीं रहा तो अब थोड़ा वो इतना क्लीन नहीं है, सॉरी। मैं आपको लेआउट थोड़ा बताता हूँ, तो लेआउट जो है जैसे ये तो बैठक टाइप कमरा है, जैसे आप लिविंग रूम कह लें, इसी के साथ ही बाथरूम है अटैच और ये एक किचनेट है, तो छोटे से एरिया में ही पूरा आपका रहने का जुगाड़ है। उसके बाद अब आप सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं तो आप उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां मैंने आपको दिखाया था वरांडा है, और ये वरांडे के ऊपर देखिए बहुत ही कम सीमेंट की लेयर है, तो इसमें मुर्गा जाली डली है, नीचे तो देखिए लकड़ी ही है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये देखिए ये छछरा डला हुआ है और इसके ऊपर एक सीमेंट का घोल है ताकि पोचा वगैरह आराम से लग सके। अब यहाँ खिड़कियों से व्यू बड़ा अच्छा है, ये देखिए तो सारा खेत दिखता है, यहाँ पे काफी वेल लिट है,
ये जो कांच है ये फ्रॉस्टेड ग्लास है ताकि भाई पड़ोसी के यहाँ ताका झाकी ना कर सके। वैसे तो ऐसे लोग आते नहीं यहाँ पर फिर भी बेटर सेफ देन सॉरी। देखिए ना, नहीं तो हम ये जो पड़ोस वाला जो बंगलो है इसके अंदर देख पाते पर वहाँ फ्रॉस्टेड ग्लास लगा है तो रोशनी भी नहीं रुकती और प्राइवेसी की प्राइवेसी है। यहाँ से मैं आपको छत और नज़दीक से दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये हैं छछरे। अब इन छछरों के ऊपर क्या है, एक फेरो सीमेंट की लेयर है। अब ज़्यादातर जो है जिसे हम लेंटर कहते हैं या स्लैब कहते हैं वो डलती है सीमेंट और सरिये की, पर ये जो फेरो सीमेंट की लेयर है इसमें बस एक पतली सी लेयर होती है सीमेंट की, एक इंच की, जिसके अंदर मुर्गा जाली रहती है और उसको पूरी स्ट्रेंथ मिल जाती है और उसके ऊपर फिर स्लेट है। तो उससे सीमेंट से क्या है कि भाई जैसे बारिश होती है तो अंदर टप 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 की खूब आवाज़ नहीं आती और थोड़ी हमें इंसुलेशन भी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे अभी थोड़ा पानी का काम होना है। ये जो है जो स्लेट की छतें हैं उसके आगे ये देखिए गटर्स लगे हुए हैं। अब इन गटर से जो पानी है अभी डायरेक्ट गिर जाता है और उससे गड्ढा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सन मेरे अगेंस्ट है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से बेसिकली क्या है, देखिए जैसे यहाँ से हम रस्सी जो है नीचे तक ले आएंगे और पानी उसके सहारे आराम से उतर जाएगा। तो खैर अच्छा, मैं आपको इसके पीछे दिखाता हूँ। जो मैं आपको कह रहा था कि हमें जो पीछे जो वेट वॉल्स हैं वो हमने रेड ब्रिक की इसलिए बनाई ताकि देखिए अगर कभी कोई प्लम्बिंग की पाइप की कोई लीकेज हो जाती है तो हम नहीं चाहते ना कि भाई दीवार का बड़ा नुकसान हो जाए, वो एकदम हैजर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें रेड ब्रिक का काम करना पड़ा। अब फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करूँ प्लम्बिंग जो है ओपन ही रखूँ ताकि कल को कोई लीक हो कुछ भी हो तो आसानी है डील करना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करनी पड़े। तो खैर ये मॉडर्न सहूलियत और ट्रेडिशनल वेज थोड़ा इको फ्रेंडली है, थोड़ा सस्टेनेबल है, थोड़ा मॉडर्न है, उस सब का मिश्रण करके एक इस तरह हमने बनाया है कि भाई लोग अपने कंफर्ट से रह सकें पर एक सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा एक्सपोज भी हो। देखिए मेरी तो फिलॉसफी वैसे भी यही है, इट्स नॉट लाइक मैं बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी नहीं हूँ, आइडियलिस्टिक नहीं हूँ। मुझे यही होता है कि अगर कोई चीज़ 100% बुरी है, अगर हम उस चीज़ को करना ज़रूरी है और हम उसको 80% बुरा कर सकें तो भी हमने कुछ अच्छा कर दिया। तो अच्छा करना सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप कुछ अपने आउट ऑफ द वे जाके आप अपना कुछ एक्स्ट्रा करें, जो आपने करना है उसे भी आप कम बुरे तरीके से करिए तो वो भी अच्छा है। अगर आपका कोई इस कंस्ट्रक्शन के बारे में सवाल होगा तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।